बारे में जिन्हें शायद आप अकेले ही देखना पसंद करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, खुल जा सिम सिम। वेब सीरीज को उल्लू पर रिलीज की गई है और इसे रिलीज की गई है 2020 में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक न्यूली मैरिड कपल से, जिन्हें कुछ विलन सताने आते हैं और उन विलन्स को वो न्यूली मैरिड वोमेन किस तरह हैंडल करती है इस वेब सीरीज में आप देख पाएंगे। वेब सीरीज की स्टोरी रोमांस बेस्ड स्टोरी है और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली उल्लू पर देख सकते हैं। नंबर 9, कविता भाभी। वेब सीरीज की टोटल 3 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं और तीनों एपिसोड्स ऑलरेडी उल्लू पर अवेलेबल हैं। वेब सीरीज की स्टोरी आपको दिखाती है एक कविता नाम के एक भाभी को, जो कि कॉल रिसीव करती है और दूसरों को उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताती है, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं उल्लू पर। नंबर 8, XX अनसेंसर्ड सीजन 2। वेब सीरीज को रिलीज की गई है ALT बालाजी पर, और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर से, जो कि एक वुमन की सर्जरी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उस डॉक्टर के साथ, ये इस वेब सीरीज में देखने लायक है, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं ALT बालाजी पर। नंबर 7, लाल बाजार। वेब सीरीज को रिलीज की गई है Z5 पर, और वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मर्डर केस से, जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती है कोलकाता पुलिस। वेब सीरीज में क्या लास्ट तक उस मर्डर मिस्ट्री को कोलकाता पुलिस सॉल्व कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, इसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट वेब सीरीज बनी है, और इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है Z5 पर। नंबर 6, चरम सुख हमसे ना हो पाएगा। वेब सीरीज को रिलीज की गई है उल्लू पर, और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है न्यूली मैरिड कपल से, जो कि रोमांस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके रोमांस में कोई ना कोई बाधा पड़ जाती है, या फिर कह सकते हैं जब भी वो रोमांस करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। वेब सीरीज में आखिरकार लास्ट तक वो रोमांस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, इसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट वेब सीरीज बनी है, और इस वेब सीरीज को डायरेक्टली आप देख सकते हैं उल्लू पर। नंबर 5, माय कजन सिस्टर। वेब सीरीज को रिलीज की गई है कुकू पर, और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक कजन सिस्टर से, जो कि दूसरे घर में रहने आती है, और उसी बीच उन दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन ये प्यार क्या सच्चा है या आर्टिफिशियल प्यार है, इस वेब सीरीज में आप देख पाएंगे, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं कुकू पर। नंबर 4, मूव ऑन। वेब सीरीज को रिलीज की गई है हॉटशॉट पर, और इसे रिलीज की गई है 2020 में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दो रूममेट से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ स्पेंड कर रही होती है, लेकिन इसी बीच आप इस वेब सीरीज में लव ट्रायंगल भी देख पाएंगे। आखिरकार ये लव ट्रायंगल किस लिए होती है और क्यों होती है, ये इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं हॉटशॉट पर। नंबर 3, हेलो माईसेल्फ लिली। वेब सीरीज को रिलीज की गई है हॉटशॉट पर, और वेब सीरीज की स्टोरी दिखाती है एक लिली नाम के लड़की को, जो कि अपने कस्टमर को किसी भी तरह से कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है लेकिन वो बेच नहीं पाती है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट किस तरह आती है, ये इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं हॉटशॉट पर। नंबर 2, रागनी MMS रिटर्न सीजन 2। वेब सीरीज को रिलीज की गई है ALT बालाजी पर, और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी को इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रागनी MMS सीजन 1 बहुत ज्यादा हिट रही थी, प्लस इसकी मूवी भी बहुत ज्यादा हिट रही थी। वेब सीरीज की स्टोरी आपको फिर से ले जाती है रागनी MMS की दुनिया में, या फिर कह सकते हैं कि रागनी की दुनिया में, और वहां पे जाकर क्या न्यू जितने भी कैरेक्टर वहां पे जाते हैं वो सभी वहां से सर्वाइव करके निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं, इसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट वेब सीरीज बनी है। वेब सीरीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है प्लस थ्रिलिंग एक्टिविटी से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो कि आप सिर्फ अकेले ही देखना पसंद करेंगे, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं ALT बालाजी पर। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे सबकी फेवरेट वेब सीरीज गंदी बात सीजन 4। वेब सीरीज यूं तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, और इसके टोटल 3 सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, और तीनों के तीनों सीजन ही बहुत ज्यादा हिट भी रही हैं। वेब सीरीज की स्टोरी आपको गांव के रोमांस के बारे में दिखाती है, और इस वेब सीरीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं ALT बालाजी पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।